Pwede na pangalay ko yung Roy. Gibat. तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस गुड मॉर्निंग, राम राम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस लतिका ब्लॉग। जैसे आप सबको पता है मॉर्निंग की शुरुआत होती है सबकी टी के साथ, मतलब कुछ की टी के साथ नहीं भी होती है, क्योंकि कुछ लोग टी को योगा वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बट मैं बड़ा पसंद करती हूँ। तो मैं पीने जा रही हूँ चाय। सबने पी लिया आज, मम्मा ने और भाभी ने पहले चाय पी दी मेरे से। माँ 12 नहीं बज रही, इतना भी जलील नहीं करो, 12 नहीं बज रही अली। ते 8 बजे दा रोना ही रोना है, पूरी उम्र रोना ही रोना है। मैं 8 बजे उठनी हुई हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी जल्दी उठी थी, क्योंकि जब मैं उठी थी तो उसके बाद हम लोगों ने धोए थोड़े से कपड़े। तो जब मेरा ऐसे भी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाती हूँ बाथरूम में, बट उसके अलावा आज तो कपड़े ज़्यादा थे तो वो इसलिए ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे मम्मा बैठे हुए हैं, जय माता दी। तो मम्मा ने बहुत सारी कचौरी और बहुत सारे रस और बहुत सारी चाय पी ली है, जिस वजह से मम्मा से जय माता दी भी नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने तो अभी पीनी है, ये देख सकते हो आप, अभी चाय फ्राई में है, मैंने यही पी है। तो मतलब मम्मा ने बना दी थी भाभी ने, तो अभी देखते हैं। और गाइस कल हम लोग जा रहे हैं संगीत के लिए, मतलब मेरी कजन के बेटे का, मतलब बेटे का लड़के का मुंडन है, जिसमें मैं हम लोग कल जा रहे हैं संगीत के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि कल का व्लॉग भी स्पेशल होने वाला है, वो रहेगा संगीत पे स्पेशल। हाँ तो हाँ, तो उसके बाद हम लोग तो संगीत पे रहेगा, और हम लोग जाएंगे पारदा में संगीत के लिए, क्योंकि उनकी शादी पारदा में हुई है। तो वहाँ संगीत किस तरीके का होगा, वो हर गांव में अलग अलग तरीके का जो संगीत होता है, तो वहाँ पे भी देखेंगे हम, वहाँ भी जाके। तो ये लोग डिस्टर्ब बड़ा करते हैं पीछे से ब्लॉग में, मुझे पता नहीं लगता है मैं बोल के आ रही हूँ। तो ठीक है गाइस, तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग इतना ही बनाते हैं, क्योंकि ये लोग ना पता नहीं चल रही थी मेरे को। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो माइक तो नहीं, ये रोना रोना कितने बार आ के ना, हजार बार आ के ना, तो नहीं करने से यार ये रोना चाहिए, हजार बार आ के। गाइस इसको ये बोलो, गाइस इसको ये बोलो कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, गाइस इसको ये बोलो कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए। तो गाइस आप इनको ही बोल दो ब्लॉग, मतलब कमेंट्स में, कि माँ जी आप रहने दो, इसको तो शर्म आनी है, मैं आप बोलते रहते हो, ठीक है। तो ये होगा ना, फिर क्या करना फिर। तो ठीक है गाइस, अभी कल का संगीत का रहेगा, तो आज का देखते हैं कुछ करते हैं, करते हैं किसी के साथ प्रैंक। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, गाइस वेलकम बैक। तो आज का ये जो दिन है, आज हमने इतनी साफ सफाई की, क्या मतलब ऊपर बाथरूम की, क्या टंकी की, क्या बाल मेरे इतने सफेद हो गए हैं। तो अभी हम लोग मतलब बाहर एक सकते थे, कोई मतलब गाड़ी साफ कर रहा है, कोई बाथरूम, मतलब बाथरूम मैंने साफ किया, पोछे वगैरह झाड़ू पोछा भाभी ने किया। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं फुलके। तो आज गाइस नेटवर्क नहीं आ रहा है एयरटेल का, और सुबह से मैंने इनसे बात भी नहीं की, क्योंकि मैं उठी थोड़ा लेट थी, उसके बाद मैं बाथरूम चली गई। उसके बाद जब नहाने के बाद जब मैं वापस आई तो नेटवर्क चला गया था, तो नेटवर्क था नहीं, तो जिसकी वजह से मैं आनी को कॉल भी नहीं कर पाई हूँ सुबह से। तो बहुत मिस कर रही हूँ मैं उनको, क्योंकि सुबह से हम लोगों की बात नहीं हुई है, हो पाई है। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं चपातीस, मैं और मम्मा। तो भाभी यहाँ पे कर रही हैं वो मैट साफ गाड़ी के, तो मम्मा इधर बैठी हुई हैं। तो अभी हम लोग ये करेंगे, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल आज कुछ खास कंटेंट मिलेगा पता नहीं, या फिर मिलेगा या फिर नहीं, उसका नहीं पता। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि भूख के कीड़े जो हैं वो ऐसे जोर जोर से बोल रही हैं, कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ, क्योंकि आज हम लोग व्यस्त थे काम में बहुत ज़्यादा।
तो आज मैंने बहुत काम किया तो माँ किया नहीं मैंने कहा मेरा भी कोई नाम नूम करी उड़ा करो नहीं तो फिर मैं थोड़े चिर घर रोना ही था मैं चली आना है चली आगी कुदे सही गल है नहीं फिर की करना अगर कोई ना कहने यार मैं जितना मर्जी काम करूं मेरा कोई नाम ही नहीं करता है मैं इतना काम करती हूँ ना स्टार्टिंग में बहू को बड़ा क्रेडिट जीत दिया जाता है मोए साड़ी नो इतना काम करती बेचारी सवेरे उठिए लगती है ओदे बाद बेचारी का कोई ना नहीं करता है तो इसलिए इन्हें दिखो तुम इन्हें दिखो पहले तुम सिंधी सुनो फिर मैं सुनानी सुनो और सुनाओ खिचड़ी बनाना आती है पर आती बड़ी टेस्टी है मतलब इतनी अच्छी खिचड़ी बनाते हैं एक खिचड़ी बनाना आती है एक चावल बनाना आते हैं और एक कपड़े धोना आते हैं झाड़ू पोछा भी करना आता है तो सारे कर लेती है फिर क्या बोल रही है वो थोड़ा बस खिचड़ी मतलब फर्स्ट क्लास मतलब ऐसी खिचड़ी कोई बना ही नहीं सकता मतलब मम्मा भी नहीं बनाते मम्मा आप भी नहीं बना सकते वैसी खिचड़ी मतलब इतनी अच्छी खिचड़ी बनाते हैं बाय गॉड मतलब पता नहीं कैसे बनाते हैं मैं मेरे को खिचड़ी बनाना आती नहीं सही बताऊं तो मतलब बहुत अच्छी खिचड़ी होती है इनके हाथ की तो मैं दूसरी बनाती हूँ जो देवता को नहीं प्रसाद ग्रहण कराते हैं मेरे को वो वाली बनाने आती है तो मैंने बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना मेरा नाम हो ही नहीं सकता तो वो नहीं होगा तो ठीक है पापा ठीक है गाइस अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं शुरुआती तो फिर मिलते हैं पहल को मतलब आपको फ्रूट्स आप मामा फ्रूट्स आपका फेवरेट है कौन सा वाला फेवरेट है ये देखो और देखो लुकिंग लाइक No wow. Looking like her. माँ भाभी आपको इस टाइम किस तरह लग रही है लुकिंग लाइक आप क्यों नहीं आख सकते हो आप कितना डरती है क्यों आप बहुओं से माँ क्यों डरती हो कुछ बोलो अपने विचारधारा जो चेंज करो कुछ खोलो मुंह मतलब ये यार पता नहीं क्यों इतना डरते हैं हमसे मतलब हम बोलते हैं कि अपने विचार जो है वो हमारे साथ मतलब बताओ हमें है ना तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है फिर ऐसा होता है ना कि नहीं मैंने सच्ची में खाने ही नहीं है मेरे फ्रिज में बहुत सारे लगे हुए हैं और मुझे नहीं खाने आपको खाने तो ले सकते हो बट वो वाले नहीं लाना जो मैंने बाजार से लाए हुए तो ऐसा है तो ठीक है गाइस धूप बड़ी अच्छी है बड़ा मज़ा आ रहा बाहर बैठने का और साथ में मम्मा और भाभी को देखने का ये दबा दब लगे हुए हैं तो एक्चुअली मम्मा को डर भी होता है क्योंकि जब मम्मा हमारे साथ खाने के लिए कुछ बैठती है ना तो हम मम्मा को कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि मम्मा हमने ना एक्चुअली हमने किया क्या हम लोग खा रहे थे मट्ठी और मम्मा को हम पूछ रहे थे मम्मा आगे देखो फिल्म में ये हीरो क्या करेगा जब मम्मा मुड़ के पीछे देखते हमने मट्ठी पूरी फिनिश कर दी थी तो इस टाइम मम्मा को अभी डर लग रहा है कि ये संतरे के साथ भी कुछ ऐसी घटना जो है ना घट जाए तो वो पीछे पूछे कहीं नहीं देख रही और ना ये हमारी किसी बात का रिप्लाई कर रहे हैं तो देखो इस टाइम मम्मा को आप कुछ भी बोलोगे ना मम्मा नहीं देखेगी क्योंकि मम्मा को पता है मम्मा हमें अच्छी तरह से जान गई है मम्मा को पता ही कुछ पूछेंगे ब्लॉग मेरा बनाएंगे मुझे बोलेंगे कि ये बोल और ये संतरे वाला कांड जो है वो कर देंगे इसलिए मम्मा पीछे नहीं देखेंगे ठीक है गाइस उसके बाद अभी जो है मतलब हम लोगों ने खाना खा लिया था 12 बजे के करीब और अभी 2 बज रहे हैं और पापा हमारे लिए लेके समोसे क्योंकि पापा कल भी गए थे और पापा को याद भी रहा था आई थिंक कहीं बने नहीं थी यहाँ से जहाँ फेवरेट है और ये रही हमारी चटनीस और ये रहे हमारे समोसे तो अभी मैं सबको सर्व करूँगी अभी तो पार्टी शुरू हुई है और यहाँ पे मैं डालूंगी 2-2 समोसे सबको ये हो गया पापा जी का ये हो गया भैया जी का ये चटनी डालेंगे अपने हिसाब से ये हो गया तो जी का
सबके मैंने डाल दिए हैं, अपने में डालूंगी बाद में। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन इवनिंग टाइम। तो इवनिंग का टाइम हो रहा और मैं ये उठी हूँ और चाय बन गई है हमारी। तो हमारी मैडम ने चाय बना दी थी तो लोगों ने पी भी ली थी और ये चावल बना रहे हैं इधर, और मैं चाय पीने आई हूँ तो पीऊँगी। उसके बाद देखना मेरे लिए बहुत काम रखा होगा इन्होंने, दाल को तड़का लगाना है, बर्तन साफ करना है, ये वो। तो अभी मैं चाय पीऊँगी, मतलब इन्होंने मेरे को उठाया, और जब वो काम पर लगाते हैं तो फिर उसके बाद चाय चुई देते हैं ना, फिर उसकी देते हैं काम वाली को। हाँ, काम वाली को। तो बस वही मेरा भी हाल है, तो मैं सब बोला भी नहीं जा रहा, इतना काम ये लोग मेरे को मेरे से करवा रहे हैं। ठीक है गाइस, टेक केयर। तो अभी जैसे हम लोगों ने आपको बताया था इवनिंग का, मैं बनी हुई भूत, क्योंकि शादियों का सीजन जो है वो चल रहा है, और मतलब भांजे का, मेरे भांजे का, ठीक है, मेरे भांजे का मुंडन, भांजे ही बोलते मतलब, हैं ना, नेप्यू। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कल हम गीत गाने के लिए जाएंगे। उसके बाद 21 को है कुछ, 18 को भी है फंक्शन उनका सत्संग का, तो शायद वहाँ नहीं जा ऐसा हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे भाभी भी कर रही है तैयारी पूरी पूरी। कुत्थे जाए तुस? कुंदे घर, कुंदे घर तेरा मुंडा। तो गीत गा भाई, सिंगर बनी हुई है हटके, गीत बढ़िया आते हैं इनको। मतलब अगर आप लोगों के घर में, किसी के घर में फंक्शन वंक्शन होगा ना, तो इनको बुला लीजिएगा, ठीक है। तो लेते लूते थोड़े हो आप कुछ, बस एक खड्डू के पैकेट से हो जाता है, तो इनका एक शुगर के पैकेट से हो जाता है काम। तो आप इनको दो दे देना अगर स्पेशल बुलाया होगा तो, ठीक है। तो बाकी हमारा ये चल रहा है, तो हम लोग, मैं, मुझे करना है फेशियल, तो जो मैं तब, मैं आज इतना सोई गाइस, इतना सोई, आप सोचो ही मत, ठीक है। और किस का आता है तो हैं ये देखिए, चार्जर लाए ने, चार्जर तो हैं कितना है फेशियल, नॉर्मल का मतलब तो ठीक है। आप ऐसा कर दो, आप वो निकालो ना आपके पास, क्रीम कौन कौन सी है, HD कौन सा कर दो आप मेकअप, ये लाल पीए तुसे पता नहीं कुत्थों चुकी लिया दी दियां, सो आ भी नाम सुना दे, चलो नाम भी सुना दे, चलो पहले केडी केडी नहीं दीदी, और आपके पास ये स्प्रे है कोई स्प्रे? हाँ है क्योंकि ये मैंने इनके साथ नहीं ली। अच्छा, ये कब मारते हैं, मतलब जब हेयर स्टाइल फूल हो जाते हैं तब मारते हैं। अच्छा तो ठीक है, अंडे में। अच्छा तो ये जो आपने मेरा हेयर कलर किया है, इसके कितने चार्जर है? इसका है 200 रुपया। अच्छा 200 रुपया लेते हो आप, ठीक है, ये इनका ठीक है, मतलब आप लोग आ सकते हो इनके पास। और क्रीम आपने दिखाई नहीं कौन कौन सी है, दिखा दो तो, मतलब क्या क्या है ये बता दो। हाँ बताओ तो, ये पार्लर वाली हंसकी अपने बारे में क्यों घुसेड़ रही हो, नहीं मतलब क्या क्या है ये? अच्छा ये क्या है? ये फाउंडेशन। अच्छा लाइनर। दीदी ये लाइनर है? अच्छा ये लाइनर है। हाँ दीदी मस्कारा है। तो गाइस लाइनर है, देखा किस मस्कारे वाले डब्बी में लाइनर किसने डाल दिया भाई? तो वो मस्कारा था, तो हम इनसे मेकअप करवाएंगे, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ फंक्शन पे, तो कल मैं जा रही हूँ फंक्शन में, और मेकअप इन्होंने पहले मेरा किया, हेयर कलर तो बहुत अच्छा हेयर कलर करती है, और दूसरा इन्होंने मेरे को अभी मेरा करेंगे फेशियल। दीदी फेशियल कौन सा आपके पास जरा निकाल ली, तो फेशियल नहीं आपके पास कोई भी? फेशियल किट जी दीदी, फेशियल किट है कोई? हाँ है, बताओ कौन सी। वाह प्योर उठती। अच्छा तो कर लेते वैसे आप? हाँ कर लेते। तो मुझे कराना है फेशियल, उसके बाद मुझे ना वो करवाना है, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप भी करवाना है,
पाप मतलब पूरा आप कुल मिला के कितने लोग आई बोला मुझे कटिया तो दीदी आई बोला भी खाती है तो अगर किसी ने इनसे तैयार होना हो तो इनको एक आई बोला की डब्बी कर दे सकते हो ठीक है दीदी 3000 रुपया मतलब पूरा हाँ। वैक्सिंग वुक्सिंग डाल के नहीं 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 हाँ। सिर्फ मेकअप का ये तो बड़ा ज्यादा नहीं हो गया हाँ? तो और क्या क्या मतलब दीदी और लहंगे लुंगे रखे हुए आपने फिर मतलब आप सिर्फ रेडी करते हो पर्स ठीक है मतलब अभी हम इनसे रेडी होंगे आपको बताएंगे रेडी करके मतलब ये कैसा रेडी करते हैं ठीक है तो और एक्स्ट्रा कुछ मतलब आप बोलेंगे अपने हमारे सब्सक्राइबर से तो इसे फ्रिज में क्यों दूस दूस कर रहे हो इन्हीं मुगल का कुछ नहीं है कुछ नहीं है क्या हुआ नहीं दर्द ये मोयो और इतना नहीं मुगल नहीं लेते ये मॉकटेल के लिए रखे हुए हैं तो गाइस इन्होंने मेरा कर दिया ये जो फेशियल अभी ओ खाई लो यार खाई लो नहीं नहीं लायो खाई लो जड़ के खाना ना ये रखे बच्चे बारी जा पीछे तो ठीक है गाइस अभी मिलते हैं आपको मेकअप के साथ एक नई लुक के साथ खाने के लिए बहुत कुछ खिलाया गया आज हमें कुछ बहुत कुछ मिला क्योंकि पहले हमें पापा जी ने खिलाए समोसे तो हमारी केयर बहुत होती है क्योंकि हम लोगों ने रखा हम मतलब ये लोग ना मजदूरों की केयर बड़ी करते हैं तो हम बेचारे गरीब मजदूर है तो हम इधर काम करने पे आए इधर उनके घर में तो जे मतलब पहले हमको इन्होंने खाना देते है सवेरे सवेरे तो हम इनके मजदूर है तो ये मालिक बैठे हुए हमारे तो मालिक जी क्या बोल रहे हैं 8 लाख बड़ा है 8 लाख तो गाइस इन्होंने 8 लाख मेकअप करना ये दिखा ना फेशियल करना कोई खास ग्लो दे नहीं है मुंह पर उगने रहे हम बस जैसे जैसे वही तो ये पूरा ग्लो ही है ना तेरे मुंह पर पूरा इतने सोते हो तो मेकअप आने के इतने लिए थोड़ा ही लेंगे उन चला पोटर का मतलब ना कच्चा ना कच्चा ना कर ना उन तो सुईया जो कोई सुईया ना के तो पिलाने के बंदा भी चल का अभी सच्चे हुआ खिचना और लक्ष्मी पता कि कर दी धागा कुछ गया दूरा तक करी है हाँ तुम्हें दस पता नहीं दूरा बंद शायद करना नहीं मन बंद नहीं
इधर कर अट्टी का नगर क्यों है क्या होगा दिखा लू मनु चलो पावी मेरा कर रही नहीं एक फुट गया ना बस बस तरह मथा मुथा नहीं साफ कराना मेरी जिन्हें बकरी ले तो मैं ना बड़ा तो बस बड़ा जाओ बड़ा है जाओ मुझे नहीं होगा डरी मुझे कराई मुझे अच्छा ऐ नियम तुम देखो शो इंडिया इन्हें जिम्मी अलग कबाई करता है तो भी अभी कर आयो तीन बजे लगा वही नहीं यार मैं समझ नहीं आ रही कि नगर दे बढ़िया नहीं है मैं दिन करा दे ठीक है गाइस आज हमारा पार्लर जो है वो खत्म हो गया तो अभी मिलते हैं खाने के साथ Thank you.
जा रहे हैं गीत गाने के लिए, तो आज लास्ट डे है, उसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे तो शादी का, उसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे, आज लास्ट डे है तो उसके बाद हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब हम लोग घर में ही रहेंगे, कल इनकी शादी जो है स्टार्ट हो जाएगी। अरे मम्मी गप्पे मारती हुई रीता दीदी सोती है। अभी हम लोग आ गए हैं वापस वहाँ से गीत वगैरह गा के, तो अभी है टाइम सोने का, तो ठीक है बाय बाय, क्योंकि आज तो ये मतलब सिंगिंग का जो था वो भी ख़त्म हो गया, तो काफ़ी रौनक थी, बड़ा मज़ा आता था यार रात को, तो ठीक है, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।